चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। समीर जी बताइए क्या सवाल है आपका। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई हैव 50 शेयर्स ऑफ इंडिया सीमेंट। दिस इज द परचेज प्राइस इज 200 रुपीज एंड सेकेंड इज जाइडस लाइफ साइंस। आई हैव 125 शेयर एंड द प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 475। ओके, इज दिस फॉर द ट्रेडिंग? No, this is long term view. I just want to sell when it will be in the profits, the Zydus life cycle. Okay. Sarvendra, Shri, pehle to India Cement pe 200 share inke paas hain aur theek thak profit ho raha hai inko 70-72 rupaye per share ka. Kya isme aur bane rehna chahiye? Dekhiye pichle hafte isme momentum aaya hai. Kuch khabrein chal rahi thi uski wajah se bhi tezi bani hai. Aur tamam reports se suggest kar rahi hai ki barish khatam ho gayi hai to shayad ab cement ka cycle fir se pick up kare. Ye sab fundamental khabre hain, lekin chart pe kya keh raha hai? ये देखिए पूरे सेक्टर पे ही बहुत सारा बहुत ज्यादा बहुत सारी खबरें रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है डेवलपमेंट्स, तो आई थिंक मोमेंटम पकड़े हुआ है सेक्टर तो ट्रेड में क्योंकि है, तो मेरा थॉट तो ये रहेगा कि बने रहे। बट यस, लुकिंग एट ओवरऑल रिस्क, जितना बाहर ओवरऑल जैसे हमने भी डिस्कस किया जितना रिस्क दिख रहा है, और जैसे हमने निफ्टी का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया क्योंकि निफ्टी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, सब लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 1.5-2 हफ्ते से बोल रहे हैं और निफ्टी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और उसको टाइट रखें। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को जो सबसे एग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ दिख रहा है, तो मुझे दिखता है कि इनको रखना चाहिए तकरीबन 254.40 पे। 254.40 के नीचे अगर बंद आएगा इंडिया सीमेंट में, तो मेरे हिसाब से मुनाफा जो भी थोड़ा बहुत है इनका उसको बुक करके इनको निकलना चाहिए। और जाइडस लाइफ में क्या करना चाहिए? जी, चार्ट में उसका भी पुल अप कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे मेरा थॉट ये है कि आई थिंक इनका खरीदी का भाव थोड़ा ऊपर का है, बट स्टॉक ने अभी लास्ट 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, जहां पे मार्केट अपना लॉन्गर टर्म एवरेज या लॉन्गर टर्म सपोर्ट तोड़ रहा है, ये स्टॉक रिपेयर करके अब ऊपर चल रहा है। इसको हमने शायद 1.5-2 हफ्ते पहले भी जब कवर किया था, थॉट यही था कि इसके सेटअप्स ऐसे बन रहे हैं कि मीडियम टर्म बॉटम्स और मीडियम टर्म बॉटमिंग आउट के संकेत हैं, तो इनमें पुलबैक्स थोड़े आएंगे। तेजी अगर हम चाहे ना भी बोले बड़ी, बट एक अच्छा डिसेंट पुलबैक भी हम बोले, तो मुझे लगता है कि 510-520 के स्तर यहाँ नेक्स्ट 3-6 महीने में आने चाहिए। तो यहाँ पे मेरी राय है कि ट्रेड में बने रहे, और अगर नई क्वांटिटी थोड़ी लेनी है तो डेफिनेटली मेरा तो मानना है कि थोड़ी नई क्वांटिटी भी ऐड करनी चाहिए ताकि इनका एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा। और जो नई क्वांटिटी ले रहे हैं, जितनी भी ले रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लेंगे, जो भी ले रहे हैं उसमें डेफिनेटली इनको एक स्टॉप लॉस लगाना है, वो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, और वो स्टॉप लॉस है 378.40 का। 378.40 के नए स्टॉप लॉस से नई वाली पोजिशन थोड़ी सी एवरेज करें, कॉस्टिंग नीचे आएगी, कुछ हाल में अच्छा पैसा बनेगा। तो ये स्ट्रेटजी दोनों है आपके लिए, इस पे आप ध्यान रखिएगा। समीर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।